मॉर्निंग मॉर्निंग सभी लोग को। तो पिछले में आपको हमने होमवर्क दिया था, पहला क्वेश्चन था नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, यानी प्राकृत संख्या किसके लिए संवृत है, तो एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डिवीजन के लिए नहीं है। यहां पर प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग ने ऐसा किया, रूल हम चेक करने के लिए संवृत बता रहे थे। अब हम लोग को अगला हम लोग को चेक करना है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में होगा नहीं होगा। अगला हमारा इंटीजर्स नंबर, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, तो होगा ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा। अगला हमारा रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में परिमेय, तो होगा होगा होगा। इसके बाद हम लोग को वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या होगा 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 नहीं होगा। यहां नहीं होने वाला, जैसे 5/0 करोगे ना या 6/0 करोगे तो नहीं। क्योंकि मैं बता दूं ना कि भाग का मतलब, डिवाइड का मतलब सब्ट्रैक्शन ही होता है। जैसे 8/2 लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट 4 हुआ, यानी 8 आपके पास कोई क्वांटिटी है, इसमें आपने 2 को 1 बार घटाया तो 6, अब 6 में से फिर 2 घटा दिया, 4 दोबारा घटाया, और यहां पर 4-2 फिर 2 आपने तीसरा बार घटाया, और 2 में से 2 ये 0। अगर इससे छोटा हो गया तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, और रिमाइंडर में 0 हो गया तो पूरा पूरा कट गया। लेकिन तू सोचो यार, अगर यहां पर 5/0 है तो 5 में से 0 गया तो 5 ही रह गया, फिर 5 में से 0 गया तब भी 5 रह गया, 5 में से 0 गया तब भी रह गया, इसलिए 5/0 को इन्फिनिटी यानी अनंत इसीलिए कहते हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई नहीं है। तो आपने ने पिछले क्लास की हमने क्वेश्चन को करवा दिया है। अब हम लोग को जो सीखना है ना, वो सीखना है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव सीखना है। तो हम लोग आज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का हम लोग दूसरा नाम एबेलियन भी है, और इसे हिंदी में कहा जाता है क्रम विनिमय, विनिमयता, और इंग्लिश में कहते हैं कॉमुटेटिव, COMMUTATIV, कॉमुटेटिव VT, तो VT लगाना पड़ेगा, VI और DY। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं, COMMUTATIVITY। तो जैसे कम्यूटेटिव क्या रूल होता है सोचो, A*B = B*A, यानी A+B = B+A, AB = BA। तो यहां पर कम्यूटेटिव ये जान लो, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन यानी योग के लिए, और यहां मल्टीप्लिकेशन लिखना था, गुणन के लिए कम्यूटेटिव रूल। चाहे हम बात करें प्राकृत संख्या का यानी नेचुरल नंबर का, तो अगर हम 2+3 करते हैं
और 3 प्लस 2 करते हैं, 2 गुने 3 और 3 गुने 2 सेम ही होता है। इसी ढंग से अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, संख्याएं लिखने होंगे, यहां ईश लगाने होंगे, या अगर पूर्ण संख्याएं की हम बात करें यानी होल नंबर की हम बात करें, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि अगर ये होल नंबर की भी एग्जाम्पल में आते हैं, अगली हम बात करते हैं यानी सारे नंबर A to Z नंबर यानी एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है, लेकिन किसके लिए नहीं होता है ये मुद्दा आता है। तो नहीं होता है सब्ट्रैक्शन यानी वो कलन के लिए नहीं होता है, वो नहीं होता है मल्टीप्लीकेशन यानी गुणन के लिए नहीं, ये 2 के लिए नहीं होता है, बाकी सब के लिए होता है। तो यहां पर तुम्हारे पास ये भी रूल सेटिस्फाई हुआ, ऐसे तुम लोग को अलग अलग करके देखना है। अब यहां पर प्रयास करना है कि किसके लिए होता है और किसके लिए नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग जो है प्रयास करेंगे, प्रयास करना हम लोग का ये अधिकार है, इस अधिकार को कोई ले नहीं सकता है, क्योंकि कुछ कुछ अधिकार है जैसे अपना काम करना। तो ये अपना काम करना प्रयास कीजिए, यानी ट्राई दिस, ट्राई दिस, प्रयास करना है। प्रयास करने वाले को कभी हार नहीं होती, यानी कम्यूटेटिव रूल के लिए प्रयास करना है, इसमें है कॉमू टेटिव, कम्यूटेटिव 4 क्वेश्चन है। पहला आपको आता है नेचुरल नंबर, छोटा सा मैं लिख देता हूं, नेचुरल नंबर 2 है। यहां पर पूछा जाएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन यानी यहां योग, वियोग, कलन, गुणन और भाग। नेचुरल नंबर में यहां पर इसमें थोड़ा पहले नंबर को सब लिख देता हूं ना, पहला होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इवन नंबर और नंबर। देखो भैया, इवन नंबर तो हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो गया। आपको मैं जो बताया ना वो याद रखना यार, जोग और गुणन में कम्यूटेटिव होता है, बाकी में नहीं होता, इसकी वो कर लेना। पृष्ठ अगला जो हमारे पास जो है वह रूल का नाम है, रूल का नाम है शाह चर्यता, यानी साहचर्य भी इसे बोलते हैं, साहचर्य या इसे हम सह चारिता और यहां पर इसे इंग्लिश में एसोसिएटिव, AASO CAT CIA TA TI VTY एसोसिएटिविटी, यह रूल होता है AST BST C बराबर
ए स्टिक बी का होल स्टिक सी, ये रूल होता है एसोसिएटिव का। यानी अगर हम बात करें एसोसिएटिव का, तो एसोसिएटिव भी को भी तुमको यहां पर चेक करने की, अगर हम बात करें साहचर्य नियम को, कौन पालन करता है कौन नहीं पालन करता है। अगर यहां पर 2 3 4 आपने नेचुरल नंबर ले लिया, और प्लस के लिए अगर हम बात करें तो 2 प्लस 3 प्लस 4, और यहां पर 2 प्लस 3 प्लस 4 ये हो जाएगा। तो यहां पर तुम्हारे पास अगर एसोसिएटिव की अगर हम बात करें कि कौन एसोसिएटिव है और कौन एसोसिएटिव नहीं है, तो यहां पर तुम्हारे पास जवाब में यही आएगा कि सर जी एडिशन के लिए यानी योग के लिए होगा, और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन के लिए भी होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा, डिवीजन के लिए नहीं होगा, यानी व्यवकलन के लिए नहीं होगा, भाग के लिए नहीं होगा। यानी एसोसिएटिव रूल को भी आप लोग अच्छे ढंग से जान चुके हैं। यानी एसोसिएटिव रूल का एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम करते हैं, यह जानना जरूरी है। तो एसोसिएटिव जैसे मान लिया कि तीन सज्जन है, यहाँ ए और बी सी, तो ए बी को ग्रुप कर दो, सी को बाहर कर दो, या बी सी को ग्रुप कर दो, ए को बाहर कर दो। यानी या ऐसा भी कर सकते हैं कि बी को बाहर कर दो, एसी को साफ कर दो, अगर कोई प्रभाव ना पड़े तो वहां पर वह साहचर्य नियम को पालन करता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें मैं समझाऊं कि घर में प्लेट दो है और सज्जन तीन है, और खाना उसे खाना है। तो अगर खाना उसे खाना है तो यहां पर एक बहुत बड़ा मतलब हो गया कि खाना उसे खाना है। तो अगर खाना उसको खाना है, तो अगर दो सज्जन एक प्लेट में खा लिया, एक अलग खा लिया, या अगला दो सज्जन खा लिया इसमें अलग खा लिया, अगर ये कोई प्रभाव ना पड़े इसका मतलब एसोसिएटिव है। यानी आप कम्यूटेटिव एसोसिएटिव को अच्छे ढंग से आप लोग सोचेंगे समझेंगे और इसे बनाएंगे, तो अगली क्लास में हम तुमको बताएंगे कि जीरो का क्या भूमिका है, जीरो का क्या आइडेंटिटी है, और वन का क्या आइडेंटिटी है, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोग का इतना ही, और फिर अगले वीडियो में इसकी क्वेश्चन की डिस्कशन होगा।